शासन के द्वारा कोविड से मृत्यु हुए व्यक्तियों के परिजनों को दिए जाने वाली सहायता राशि के प्रगति की समीक्षा बैठक एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोविड कंट्रोल रूम के सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड से हो गई है उनके परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके लिए शासन द्वारा जनपद को 9 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मृत्यु हुए व्यक्तियों के परिजनों का जो फार्म आया है उसकी जांच की जा रही है। अभी तक 1,000 लोगों का फार्म आ चुका है। उन सभी फार्मों को 2 दिन के अंदर जांच कर उनके परिजनों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिनकी मृत्यु कोविड से हो गई है तथा जिनके पास कोविड का रिपोर्ट और मृत्यु का प्रमाण पत्र है तो ऐसे लोग जल्द से जल्द तहसील पहुंचकर आवेदन करें, जिससे उनके बैंक खाते में सहायता राशि भेजा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हाँ तो सर, ये सबके इकट्ठा 1-2 बजे का टारगेट है, 2 बजे सब इकट्ठा कर लेंगे और जितना रहेगा उसका तुरंत बनाकर ये कागज स्पेसिफिक एक व्हाट्सएप कर दें, जैसे पीछे सबसे पूछ के सदर का कितना ओके हो गया। प्रेम जी, सदर का कितना ओके हो गया? 200, 250, 300 तो आपका भुगतान का जा चुका है पहले, ठीक है, उसके अलावा कितना दे रहे हैं? 120 तो उसी का क्रमांक है ना? नहीं सर, उसके बाद हमको डालना पड़ा क्योंकि जी सर, इसमें सर करेक्शन कर रहे हैं, नहीं कहाँ हो जाएगा, हमें तो 1,000 के 800 ये देंगे तब और जगह से। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोरोना के कारण दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई उनके लिए 50,000 रुपये का अनुदान घोषित किया गया है और हमारे जनपद को लगभग 9 करोड़ से ऊपर की धनराशि प्राप्त भी हो चुकी है। हमारे पास जो फॉर्म आए हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है, उनका परीक्षण किया जा रहा है और अनुमान है कि आज लगभग हम 1,000 से अधिक लोगों का प्रकरण निस्तारित कर देंगे, उनका अगले 2-3 दिनों में उनके खाते में पैसा चला जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है उनके पास यदि कोविड टेस्ट रिपोर्ट है और मृत्यु का प्रमाण है तो वो इसके पात्र हैं। यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सरकारी जैसे नेहरू चिकित्सालय या हमारा 100-बेड टीवी हॉस्पिटल था वहाँ एडमिट हुआ है, वहाँ उसकी मृत्यु हुई है, उसका उनके पास प्रमाण है, ऐसे भी लोगों को हम लोग कंसीडर करेंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी है जो इस पर विचार करेगी। आप लोगों से अनुरोध यही है कि अपनी तहसील से संपर्क करके जल्दी से जल्दी हमें फॉर्म भर के दे दें। सर, अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? अभी तक 381 लोगों को दिया जा चुका है और आज या कल उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, उनका निस्तारण हो चुका है और आज को मिला करके, आज ये 381 को मिला के हमारी संख्या 1,000 से ऊपर पहुंच जाएगी।